बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। रायपुर की पावन भूमि में 3 दिवसीय प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर में मंच में विराजमान आज के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारी सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं, बंधुवर श्री केदार कश्यप जी, पीसीसीएफ श्री वी श्रीनिवास राव जी, श्री आशीषो ए माओ जो निदेशक हैं वो टेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया के, श्री एन बी रमन्ना राव निदेशक एनआईटी रायपुर, श्री जे नंद कुमार अखिल भारतीय समन्वयक प्रज्ञा परवा, श्री गोपाल आर्य जी राष्ट्रीय समन्वयक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, डॉक्टर पीयूष कांत पांडे जी कुलपति एमईटी यूनिवर्सिटी, सुश्री शिप्रा पाठक जी वाटर वुमन ऑफ इंडिया, हमारे पद्मश्री जादव पाइन जी जो असम से आए हैं, पद्मश्री जागेश्वर यादव जी जो हमारे गृह जिला जसपुर के हैं, और इस सेमिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागी बंधुगण, हमारे स्कूली भैया बहने और मीडिया के साथीगण, आज सौभाग्य है हमारे छत्तीसगढ़ का, यहां पर ग्रीन समिट सेमिनार का आयोजन हुआ है जो आने वाले 3 दिनों तक चला है, चलने वाला है, और हमारा सौभाग्य है कि शुभारंभ के अवसर में आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हमारे देश के विभिन्न जगहों से यहां विशेष विशेषज्ञ लोग भी आए हैं, उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस आयोजन के लिए मैं हमारे वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ प्रज्ञा परवा विभग्योर एनी फाउंडेशन एनआईटी रायपुर एमईटी यूनिवर्सिटी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभी अधिकारियों और जो प्रतिनिधि हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोगों ने ये अच्छा प्रयास किया है। बंधु, आज ये जलवायु परिवर्तन और ये पर्यावरण एक राष्ट्रीय समस्या और राष्ट्रीय चिंतन का विषय हो गया है, और हम सबको मालूम है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ा है। एक दिन हमारे देश की जो राजधानी है वहां 52.3 डिग्री तक गर्मी पहुंच गई। ये सब चिंता का विषय है। आज दुबई जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में इस साल पानी इतना गिरा कि वहां पर बाढ़ आ गई। वास्तव में सब चिंता का विषय है, और इसके लिए ये 3 दिन का सेमिनार आयोजित है। अभी हम लोग इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनका विचार सुने हैं, और हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में, और विशेषकर वृक्षारोपण के क्षेत्र में सरकार काफी काम कर रही है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था एक पेड़ माँ के नाम से, उसमें हम लोग 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे थे जिसको हम लोग पूरा कर चुके हैं,
और हम अपने वन मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके पूरे विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 4 करोड़ का लक्ष्य हम लोग पूरा किए हैं। उसी तरह से एक आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ किसान वृक्ष मित्र योजना, ग्रीन क्रेडिट योजना ऐसा हम लोग चला रहे हैं। और हमारा जो नया रायपुर है जहाँ हम लोग राजधानी बसा रहे हैं, वहाँ पर पीपल फॉर पीपल अभियान हम लोग चलाए हैं और हजारों पीपल के पेड़ लगाए हैं। और आप सबको मालूम है कि पीपल का पेड़ करीब 500 साल तक जीवित रहता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल का पेड़ है। तो ये हजारों की संख्या में उसका नाम भी दिए हैं पीपल फॉर पीपल। तो इस तरह से हमारी सरकार यहाँ पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण का काम कर रही है। और हमारा ये प्रदेश 44% वन से आच्छादित है। हम लोग यहाँ पर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने का भी निर्णय लिए हैं और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। और टाइगर रिजर्व बनाने के इस निर्णय से केवल वन क्षेत्र का विकास होगा, अपितु यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा और स्थानीय जो लोग हैं उनका आजीविका पर भी बढ़ावा मिलेगा। और जंगल तो हमारा समृद्ध होगा ही और पर्यावरण भी इस रिजर्व टाइगर के निर्णय से हमको लगता है कि बढ़ेगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी गांधीनगर में एक समिट हुआ था और मुख्यमंत्री के नाते हम भी वहां पर भाग लिए थे, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में उस समिट में शामिल हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है आने वाला 2030 तक इस देश में रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट उसका प्रोडक्शन हो। अभी हम लोग 200 गीगावाट इस देश में पैदा कर रहे हैं, आने वाले समय में 2030 तक हम लोगों को 300 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी काफी सोलर के दिशा में काम कर रहे हैं और हाइडल में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मोदी जी का जो संकल्प है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट करने का, उसमें हमारा ये प्रदेश भी सहभागी होगा। और हमको लगता है कि सब इसी तरह से चिंता करेंगे, इस तरह से सम्मेलन करेंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी भी है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये 3 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले 3 दिनों में बड़ी सार्थक चर्चा होगी। हमारे और भी विशेष विशेषज्ञ होंगे, उनके भी विचार सभी लोग सुनेंगे और सब मिलकर इस दिशा में अच्छा काम करेंगे। मैं इस शिखर सम्मेलन के सफल संपन्न होने के लिए अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए और पूरे देश से कई विशेष विशेषज्ञ और भी प्रतिभागी आए हैं, सबका एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की धरती में माता कौशल्या की धरती में अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित तौर पर आपके कुशल अगुवाई में हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। इस बीच में संक्षिप्त धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर पीयूष पांडे जी कुलपति यूनिवर्सिटी को हमारे करता हूँ।